करनाल के सांसद संजय भाटिया ने संभाल का मातापुली रोड स्थित माता मंदिर के हॉल में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों व कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। कुछ लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को फोन पर ही निर्देश दिए गए, तो वहीं कुछ लोगों को आश्वासन दिया गया। सैनी समाज धर्मशाला लाइन पार वार्ड 16 में पैसों के आधार पर लटकी धर्मशाला के अनुदान के लिए सांसद ने 5 लाख रुपए देने की बात कही। शहरवासियों ने मीटिंग में कहा कि बरसात में संभालका पुल के नीचे जल निकासी की सही व्यवस्था ना होने के कारण पानी भर जाता है, जो कि 24 घंटों तक ऐसे ही रहता है, जिससे संभालका वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों ने भापरा रोड और हतवाला रोड के सामने अंडरपास बनवाने को लेकर सांसद संजय भाटिया को लिखित में पत्र दिया। भाटिया ने इस विषय पर चर्चा कर दोनों अंडरपास को बनवाने की बात कही। वहीं जीटी रोड स्थित सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने की बात कही। वहीं इस बारे में सांसद संजय भाटिया ने क्या कहा, आइए वह भी हम आपको सुनाते हैं। आई रेलवे से संबंधित आई, जीटी रोड से संबंधित आई, आपसी झगड़े आए, पानी की आई, अंडर पास की आई, सारी समस्याएं आई और सबको पिछली बार जो समस्या आई थी सबके ऊपर एक्शन लेके उनका विद रिकॉर्ड मैं लेकर आया हूं और आज मैंने मीटिंग से पहले वही किया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे समाज के ये जितने भी जागरूक लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये जन समस्याओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। बताया गया यहाँ पर जो पुल के नीचे है वहाँ पानी खड़ा होता है, यहाँ पर जो नाला है वो नाला आगे जाके चौक हुआ हुआ है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये बारिश शुरू होने से पहले, जो बारिश में समस्या और विकट हो जाएगी, इस नाले की सफाई करवाई जाए और उसके लिए 100% ये आज ही इसके ऊपर एक्शन लूंगा। हिमांशु जी, संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट।